कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर मेरे साथ हमजा जहां से बुरा आलमगीर और आप देख हमारे चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम सबको मरहबा सलाम। और गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग और इकमाल किस्म की वीडियो आपके लिए लेके हैं। ये वीडियो है जी ऑटो एक्सपो 2020 2020। ठीक है जी, 2020 ये हमें राम वाली काफी अरसे से कह रहे थे। राम वाली दो हमने कहा था दे दो भाई, दे दो। मैंने कहा दे ही देते हैं। बिल्कुल, पहले मैं सोच रहा था पता नहीं इस तरह की वीडियोस पसंद करेंगे लोग के नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। और इस तरह की अगर आप भी कोई चाहते हैं कोई जबरदस्त किस्म का वीडियो हो तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और बाकी कमेंट करके, तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? अभी मैं हूँ ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर और फोर्स के आउटलेट पे खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया गाड़ी है। आपको यकीन नहीं हुआ ना ये वाली गाड़ी देख के, कौन सी गाड़ी है, किस तरीके की गाड़ी है, क्या क्या दिखाया है फोर्स इंडिया ने इस बार ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर। सारा एक बार मैं आपको एक 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 गाड़ी करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और आपसे जैसा कमिटमेंट किया है, हर आउटलेट पे जाऊंगा, हर एक गाड़ी आपके लिए लेके आऊंगा, सिर्फ आपके अपने चैनल जिप ऑफ लाइफ पे। अगर आपको ऑटो एक्सपो घर से ही विजिट करना है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। एक एक गाड़ी में यहाँ से आप लोगों के लिए शो करने वाला हूँ। फटाफट वीडियोस आ रही हैं चैनल के ऊपर, तो चलिए दिखाते हैं ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर फोर्स इंडिया ने आपको क्या दिखाया है। तो दोस्तों, ये है आपका बड़ी कमाल की गाड़ी है, बुर्खा। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अगर इसकी हाइट देखेंगे इस तरीके से, देखिए कितना ज्यादा ऊंचा ये दिखाई देता है यहाँ से, भाई अल्टीमेट है। हालांकि कॉन्सेप्ट है और ये ऑफ रोडिंग, मैं तो कह रहा हूँ इसको हमर बोलो यार, हमर भी फेल है इसके सामने, तो क्या कहें। सस्पेंशन वगैरह इसका देखिए कितने बड़े बड़े दिखाए गए हैं। ऐसा प्रोडक्ट रियल लाइफ में आना तो मेरे के लिए तो लगता है फोर्स अगर ऐसी कुछ चीज़ लेके आती है। ये देखिए हाइड्रोलिक्स वगैरह सारा कुछ इसमें पुल करने के लिए, कंपनी का सब तगड़े वाला सामान इसके अंदर लगा रखा है। ऊपर छत पे भी इसकी स्टेपनी रखी हुई है। साइलेंसर देखिए कहाँ पे दिया गया है, पीछे से जाके कितनी बड़ी बड़ी लाइटें दी गई हैं। ये गुरखा बिग वाला है, यहाँ पे अगर देखेंगे गुरखा कस्टमाइज है और इसकी पूरी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है भाई, गजब लग रहा है मेरे को। तो सिर्फ यही फोर्स का अट्रैक्शन नहीं है, अगर आप आगे आएंगे तो इधर भी आपको एक गुरखा दिखता है, फोर्स का गुरखा दिखता है क्या बोलेंगे। लेकिन ये भी बहुत ही क्लासी फील होगा आपको, अगर आप देखेंगे लाइटिंग वगैरह बड़ी तकड़ी लग रही है। यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ वीडियो में आप पुश करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इधर अगर आप देखते हैं तो ये तो प्रोडक्शन में है, ये तो प्रोडक्ट है, अभी भी आप मार्केट में इसको ले सकते हैं। अगर उस वाले की बात करें तो वो वाला जो मैंने आपको गुरखा दिखाई वो अभी कॉन्सेप्ट में है, अभी आने में उसको टाइम लगेगा, पता नहीं कैसा आएगा, वो बाद की बात है। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है फोर्स इंडिया के पास में ये दो जो गुरखा यहाँ पे दिखाए हैं, हर बंदा आके चिपक जाता है, देखता है, इनके साथ फोटो लेता है। लेकिन हम तो आपको एक एक गाड़ी दिखाने वाले हैं, उन दोनों की अलग से इन डेप्थ रिव्यू करूंगा मैं इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो जाके, बता रहा हूँ अभी। फोर्स ने अपना दिखाया है ट्रैवलर, जी हाँ टेम्पो ट्रैवलर बोल सकते हैं, नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशन है ये करके दिखाया है। अगर इधर से देखेंगे तो ये बिल्कुल लग्जरी एक टेम्पो दिया गया है, ये 13 सीटर यहाँ पे जो है नेक्स्ट जेन टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे बनाया गया है। और भी मैं आगे की तरफ, इसका इंटीरियर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा प्रीमियम फील होता है, फुल्ली एसी है। और तो इधर जो यहाँ पे दिखाया गया है ये नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशन है, 100% इलेक्ट्रिक कार है ये। अच्छा, हालांकि इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर रेडिएटर वगैरह आपको दिख जाएंगे, पर ये इलेक्ट्रिक में लाने का प्लान है फोर्स का भाई। अभी इलेक्ट्रिक कार्स का टाइम चल रहा है, हर कोई इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रहा है। तो ये तो हो गया आप टेम्पो ट्रैवलर, ये कार्गो है। अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये ग्रैंड है कार्गो किंग। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे FM 2.6 आ रही है, कोई रेडियो चैनल नहीं है। FM से मतलब होता है फोर्स मोटर 2.6, यानी कि 2600 सीसी का इसका इंजन, कॉमन रेल इंजन, डीजल इंजन है आपको मिलेगा। ये कार्गो किंग बता रहे हैं यहाँ पे, और काफी बड़ा ये एक पिकअप ट्रक आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वीडियो पुश करके आप देख सकते हैं। इधर से देखिए, ये है फोर्स इंडिया का आउटलेट, इधर आप सबकी प्यारी फोर्स क्रूजर। जी हाँ दोस्तों, क्रूजर जिसके अंदर आराम से 15-16 लोग बैठ के चलते हैं। इस गाड़ी का भी आपके लिए रिव्यू अभी करने वाला हूँ मैं फटाफट से। पीछे यहाँ पे देखिए, और पीछे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी कितने लोग इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और ये एसी वाली यूनिट है, हाँ
जो फोर्स का अभी तक ये क्रूजर आता था, तो ये एसी वाला फोर्स क्रूजर है, पहले भी आता था मुझे पता अभी चला है, लेकिन मैंने जो सिल्वर कलर के चलते हुए देखे हैं वही ज़्यादा मुझे ध्यान है। और यहाँ पे फोर्स ने डिस्प्ले किए हुए हैं अपने जो व्हीकल्स हैं फोर्स के, वो किन किन यूज़ में आते हैं, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा फोर्स चलती, फोर्स के व्हीकल चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल बस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेम्पो ट्रैवलर के अंदर आपको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फोर्स की गाड़ियाँ यूज़ होती हैं वो सारा यहाँ पे एक डिस्प्ले में बताया गया है। और ये बेस्ट, जी हाँ दोस्तों, मुंबई में जो बेस्ट की सरकारी बसें चलती हैं उनके लिए मिनी बस ये वाली चलती है फोर्स की, जी हाँ दोस्तों, आप इसे मिनी बस बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो ही प्योर मुंबई सिटी बस वाली इसकी फीलिंग आ रही है। कौन कौन मुंबई से यार जाके कमेंट में बता दो, हाँ ये वाली बस मुंबई में चलती है या मिनी बस मुंबई में चलती है। अगर इधर बात करें तो इधर फोर्स ने अपना दिखाए हुए हैं इनके इंजन, फोर्स इंडिया के अंदर ये BMW की मार्किंग क्यों है, यहाँ पे इंजन के ऊपर BMW की मार्किंग है, यहाँ पे इंजन पे BMW की मार्किंग है। तो मैं आपको बता दूँ, फोर्स इंडिया जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारी कार्स को आप ध्यान से देखना, 3 सीरीज़ को, BMW को, और इन गाड़ियों को फोर्स जो है अपने इंजन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया कोई छोटी मोटी कंपनी आप मत समझना, इंडियन कंपनी भी काफ़ी आगे जा रही है। ये देखिए, ये सारे इंजन्स जो हैं फोर्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन कार्स को। यहाँ पे इन्होंने अपने इंजन वगैरह सब कुछ दिखाए हुए हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो इन गाड़ियों के अंदर ये भी देख लीजिए, CLA क्लास के अंदर ये इंजन जाता है फोर्स की तरफ से, सी क्लास के अंदर दिखाया गया है, ई क्लास के अंदर दिखाया गया है, ये सारे इंजन। और पीछे गाड़ियाँ दिखा रखी हैं भाई, इन गाड़ियों के अंदर ये वाले इंजन मर्सिडीज के लिए जाते हैं, और ये कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग इन इंजनों में बनते हैं। अब इधर की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े ट्रक्स वगैरह के इंजन MTU यहाँ पे दिखाया गया है, MTU को एक्सपोर्ट होते हैं। इधर भी देखिए, ये बड़े बड़े इंजन भी फोर्स इंडिया यहाँ से भेजता है, और यहाँ पे जो इनके इंजन वगैरह खरीदते हैं, यहाँ इन्होंने पूरा एक डिस्प्ले दिया हुआ है ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर कि किन किन कंपनीज को फोर्स अपने जो स्पेयर पार्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है, या कौन सी कंपनियां इनके स्पेयर पार्ट्स यूज करती हैं। ये देखिए, ये ई क्लास का जो रियर एक्सल है, मर्सिडीज ई क्लास की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये भी फोर्स इंडिया की तरफ से जाता है। और इधर अगर आप देखेंगे पूरी गाड़ी सब ये GLE, जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज GLE के लिए रियर एक्सल फोर्स एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, और इधर भी इन्होंने इंजन अपने लगा रखे हैं। अगर इधर की बात करें तो फोर्ड ट्रैवलर दोनों बस यहाँ पे शो की है फोर्स इंडिया ने। नहीं, बड़ी बस, ये आपने अक्सर स्कूल में चलती हुई जो स्कूल बस होती है ज्यादातर फोर्स की ही होती है। ये देखिए, स्कॉलर लिखा हुआ है, SCHOOL होता तो स्कूल हो जाता है, ये स्कॉलर लिखा हुआ है, लेकिन ये कायदे में तो ये एक स्कूल बस ही है। अगर इधर दिखाएं तो ये ट्रेवलर मेगना बस है, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बस फोर्स ने यहाँ पे, एक ये बस भी फोर्स ने यहाँ पे शोकेस की हुई है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये है टेम्पो ई ट्रेवलर, जी हाँ दोस्तों, आपने टेम्पो ट्रेवलर तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये है टेम्पो ई ट्रेवलर, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिक में लाने की तैयारी है अभी फोर्स इंडिया की, इसको अंदर से दिखा देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा टेम्पो ट्रैवलर तो। ये भाई टच स्क्रीन डिस्प्ले अब सब में आने लगी है, ये देख लीजिए पूरी अंदर से इसकी लुक। लेकिन मेरे को पर्सनली ये वाली सीटिंग ऐसे वाली पसंद नहीं आई, क्योंकि लंबे सफ़र में ऐसे बैठ के आदमी थक जाता है जल्दी, पर अगर ये इलेक्ट्रिक में है तो ये लंबे सफ़र के लिए नहीं बना है। तो दोस्तों, ये था फोर्स का आउटलेट 2020 एक्सपो के अंदर, और आपने कितनी सारी नई चीज़ें पता चली, किन किन गाड़ियों को फोर्स अपने इंजन एक्सपोर्ट करता है, चेसी एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, फोर्स इंडिया, आपको सबसे प्यारी गाड़ी कौन सी लगी फोर्स इंडिया की, गुरखा लगी या क्रूजर लगी, कौन सी गाड़ी अच्छी लगी और कौन सी जानकारी सबसे प्यारी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इंडियन कंपनी होने के नाते यार एक लाइक कर दो, फोर्स इंडिया के लिए ही कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ सिर्फ अपने इसी चैनल जिप ऑफ लाइफ पे। बिहाइंड द सीन स्टोरीज जाननी है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम लिंक अरुण कुशल खत्री के नाम से आपको शो हो रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जबरदस्त भाई, ये मुझे पहली बार पता लगा फोर्स नाम की भी कोई कंपनी है इतनी बड़ी, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज को अपने इंजन प्रोवाइड करती है भाई।
इंजन और भी सी क्लास और ई क्लास के अंदर इंजन उनके यूज होते हैं, और भी काफी चीजें BMW में भी यूज होते हैं, एक्सल यूज होते हैं, उसके गियर बॉक्स यूज होते हैं, और पार्ट्स इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा उनका यूज होता है। पहले मैं समझता था उधर के इधर आते हैं, लेकिन अब समझ आई कि ये मैं यही समझ रहा था पहले, मुझे भी ये लगा शायद मर्सिडीज के अंदर जो इंजन है वही इसके अंदर डाला गया है। हाँ। लेकिन ये नहीं पता कि जो इसके अंदर इंजन है वही मर्सिडीज के अंदर डाला गया और ये फोर्स बना के दे रही है। तो दैट वॉज इम्प्रेसिव, बाकी लाइक इट। और बड़ा जबरदस्त किस्म के उनके जो है ना एसयूवीज थे बड़े, यानी बंदा BMW या मर्सिडीज की कीमत की वजह से उसको लेना पसंद करता है, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि इसे ले क्योंकि वो अपने इंजन इन्हीं में से निकलवाते हैं। आखिर कोई वजह तो है ना, ये यूज हो रहे हैं, चाहे अगर वैसे हर गाड़ी में इनका यूज ना हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि उनके लेवल क्या है, मतलब यह है कि वर्ल्ड क्लास किस्म की आइटम्स क्वालिटी इनके इंजन में। तो गाइस जरूर इसको आप विजिट करें, और बड़ा शानदार है ये तो ऑटो एक्सपो। आप में समझ आइए वो भाई इतने अच्छे से कह रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं, बहुत शानदार था। फोर्स की तो बहुत कमाल की आइटम्स हैं यार, इतनी ज्यादा गाड़ियां एसयूवीज बना रहे हैं, तो ठीक है, उसके बाद बसेस बना रही हैं, ठीक है, और कार्गो ट्रक्स हैं, तो काफी आइटम्स हैं। मैं तो पर्सनली अब जाके जरा फोर्स की मजीद गाड़ियां गूगल पे सर्च करने वाला और मैं जरूर सर्च करूंगा, देखूंगा क्या ये तो 2020 था, 2019 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, क्या उनका लेवल है और क्या इनके मार्केट में उनकी स्टार्टिंग है। सही बात है, तो बहुत ही शानदार किस्म का वीडियो था, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, जबरदस्त। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगे आपने जरूर बताना है, जाने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।